वहीं बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की गिरदावरी का काम पूरा कर लिया गया है। राजस्व विभाग अब किसानों तक मुआवजे की राशि पहुंचाने की तैयारी में जुट गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक राजस्व विभाग 15 मई से अपना काम शुरू कर देगा। इस बारे में जानकारी देते हुए राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिलीप सिंह ने बताया कि सरकारी अधिकारी हर गांव में पहुंचेंगे और सही मुआवजे की राशि बढ़ी हुई दरों के हिसाब से सही किसानों तक पहुंचाएंगे। मार्च और अप्रैल के महीने में हरियाणा में तेज़ बारिश हुई और ओलावृष्टि भी हुई और जिसके कारण फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ। हरियाणा सरकार ने तुरंत ही स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिए थे और हमने कहा था कि 15 अप्रैल तक सभी डिप्टी कमिश्नर महोदय जो हैं वो 15 अप्रैल तक गिरदावरी को कम्प्लीट करें। आज तक की जो हमारी रिपोर्ट यह है कि पूरे हरियाणा में गिरदावरी का कार्य जो है लगभग पूरा किया जा चुका है। प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगता है कि आज सभी डिप्टी कमिश्नर के पास रिपोर्ट आ जाएगी। मेरे तक रिपोर्ट आते आते मतलब हरियाणा सरकार तक रिपोर्ट आते आते हम समझते हैं कि 20 तारीख तक जो है हमारे पास राजस्व विभाग में भी रिपोर्ट आ जाएगी और 20 तारीख तक हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है तो हम तुरंत ही मुआवजे की राशि को रिलीज करेंगे। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।